आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रामसु तंजील रुनियाल साहब। सर, स्वागत है आपका न्यू सर इंडिया में। थैंक यू अफराज साहब, थैंक यू वेरी मच। अगर बात करें हम जिस तरह से आपके ब्लॉक की, एक इशू हमारे पास आया था सोजमतना बी पंचायत को लेकर के, जिसमें एक सोशल एक्टिविस्ट हैं इफ्तियाज सोहेल साहब, उनके द्वारा काफ़ी सारे इल्ज़ाम भी लगाए गए थे और विद एविडेंस सरपंचज और पंचज के ऊपर। क्या कुछ इंक्वायरी चल रही है उस पर और क्या उस पर जो है रिपोर्ट आना कब तक बाकी है, कब तक लोगों को पता चल पाएगा कि उसमें सारा क्या है, निचोड़ क्या है, क्योंकि इल्ज़ाम आरोप प्रति आरोप लग रहे हैं। डेंग साहब, इसमें जो इफ्तियाज साहब हैं उन्होंने यहाँ पे भी अप्रोच किया था, मैंने कंसर्न सेक्रेटरी को लिखा भी था कि आप जो है इसमें रिपोर्ट दे दो विद इन 3 डेज में। तो स्टिल जो है हमारा यहाँ पे ADF में जो एस्टिमेशन का है और नरेगा में एस्टिमेशन का है, कुछ जो कुछ वजूहत पर जो बिज़ी थे ये, वो दे ना पाए। मैंने आज भी उनसे पूछा, लेकिन मीन द टाइम जो इफ्तियाज जी हैं उन्होंने अप्रोच किया है ADDC सर को, कमेटी इसमें तश्कील दी गई हुई है, उसमें DPO सर हेड हैं और उसमें मुझे भी एक मेंबर रखा गया हुआ है। तो इसमें जो है प्रॉपरली इंक्वायरी चल रही है। आई होप कि विद इन 1 वीक में जो है इसका आउटकम आपके सामने आ जाएगा। इसमें हमने समन भी किया है लोगों को और इसमें हमने कंसर्न सरपंच को, सेक्रेटरी को भी समन किया है। इसमें ACD साहब जो हैं बड़े कंसर्न हैं, उनका इसमें बड़े सीरियस हैं इस बात को लेकर, और विद इन 1 वीक में जो है डेफिनेटली इसमें जो है आउटकम आपके पास आ जाएगा। सर, जिस कानून क्या कहता है इसमें, जिस तरह से जो सरपंच हैं सोजमतना बी के, उन्होंने खुद माना है कि 21 लाख का इल्ज़ाम लग रहा है उन पर, लेकिन 5-7 लाख रुपये उन्होंने माना है कि मेरे अकाउंट में आया है, और जो कि डॉक्यूमेंट्स में भी है। कानून क्या कहता है कि एक सरपंच के अकाउंट में लोगों का पैसा जा सकता है? देखो, अगर आप पंचायती राज एक्ट 1989 पढ़ेंगे, एज सच कोई प्रोविजन नहीं है। जो प्राइमा फेशे लग रहा है कि ये तो गलत है, अगर सरपंच के उसको वेंडर रखा हुआ है, तो जो मैंने भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक देखे हुए हैं जिसमें रेजोल्यूशन वगैरह लगाया है, लेकिन जो गाइडलाइंस के हिसाब से है एक सरपंच वेंडर नहीं रह सकता है। तो इस पर इंक्वायरी चल रही है, जो भी हम देखेंगे हम अपॉर्चुनिटी देंगे दोनों पार्टीज़ को, हर एक जो जो इसमें है उसमें हम सबको हेयर करेंगे, उसके बाद जो भी आउटकम होगा वो डेफिनेटली आपके पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। सब क्या एक उम्मीद कर सकते हैं, लोगों की नज़रें इस पंचायत के ऊपर हैं, ये इशू काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ है, कितना और समय लग सकता है कि ये रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में आए, लोगों को पता चल सके कि कौन सही है और कौन गलत है? नहीं देखो ना, इसमें बहुत से जो मैं देख पा रहा हूँ फाइल में, इसमें जो है जो ग्राम सभा रेजोल्यूशन जो से पहले भी जो अफरा ये अपने इफ्तियाज की तरफ से एलिगेशंस हैं कि कुछ साइंड हैं वो भी मैं जाली हैं। अब इसमें कम से कम 35 से 36 जो लोग हैं वो इसमें आते हैं, तो उनको हमने समन करना है। इट विल टेक सम टाइम, विद इन 1 या 2 वीक के अंदर अंदर जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इस पर जो कार्रवाई है वो हो रही है, डेफिनेटली विद इन 2 वीक्स में जो है इसका आउटकम आ जाएगा। मुझे कल भी अपने ACD सर ने, जो इसमें DPO सर ने, उसको जो DPO सर थे आज ACD बने हुए हैं तो उनकी प्रमोशन हुई है, उन्होंने मुझे भी बुलाया हुआ है, और कल हम जाएंगे इसमें देखेंगे कि जो भी इसमें कार्रवाई होगी। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इट विल टेक लिटल टाइम, क्योंकि इसमें अगर हमने 40 लोगों को समन करना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही इसमें। और जी साहब, अगर बात करें हम, अगर ब्लॉक की बात करें, जिस तरह से हमें सुनने में आया है कि आपको 2 ब्लॉक्स की जिम्मेवारी दी गई है, गुंडीदाड़म जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में पड़ता है और रामसु ब्लॉक, कैसे मैनेज कर लेते हैं आप, इतना बीच में डिस्टेंस पड़ता है आना जाना, कैसे आप लोगों के इश्यूज हल भी करते हैं? लोगों से भी काफ़ी तारीफ हम आपकी सुन रहे हैं कि जब से आप यहाँ पर आए हैं काफ़ी साफ तरीके से जो है यहाँ पर काम भी हो रहे हैं। थैंक यू अफराज जी। इसमें एक्चुअली में हायर अप्स का ऑर्डर होता है, जब आपको DC साहब ने मुझे ऑर्डर किया है देन आई हैव टू ओबे। मैनेज तो 3 डेज में कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे देने की, और 3 डेज नो डाउट कि ये जो है डिस्टेंस बिटवीन द 2 ब्लॉक्स है वो जो 110 किलोमीटर है, मुश्किल तो होता है बट मैनेज तो करना है आपने। अगर आपने देखना है ये चीज़ें देन ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि दूर है या नहीं, हमने दोनों ब्लॉकों को देखना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जितना भी मुझसे हो सके मैं अच्छा ही यहाँ पे काम करूँ। जब से आप यहाँ पे आए हैं लोग आपके पास आते हैं, किस तरह की क्वेरीज लेके आते हैं और किस तरह से आप उनका निदान कर रहे हैं?
देखो अभी पब्लिक तो यहाँ पे कुछ जो इश्यूज़ हैं वो 15, 16, 17, 18 के मतलब 2015 के आनवर्ड्स के भी बहुत से इश्यूज़ हैं जो आज से पहले के हैं वो लेकर आते हैं। बहुत से जैसे आप एग्जांपल ले लो इफ्तियाज़ जी भी हैं, उसके बाद जो हर एक पंचायत से मैक्सिमम जो ओल्ड कंप्लेंट्स हैं वो आ रही हैं। कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे फ़िलहाल कंसर्न सेक्रेटरीज़ को, हम कंसर्न जेईज़ को, सुपरवाइज़र जो भी वर्क सुपरवाइज़र्स हैं उनसे हम रिपोर्ट लेके, कंसर्न जो यहाँ पे क्लर्क्स हैं हमें पहले फाइल को पुटअप करना होता है, वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे जो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही जो है हम देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसका जो भी ग्रीवेंस है उसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन हो सके। कुछ ऑर्डर्स आए थे जिसमें PMAY के तहत जो मकानात बनाए गए थे उसमें कुछ शिकायतें जो आई थी आपके पास, सुनने में ये भी आ रहा है कि आपने उसमें से कुछ काफ़ी सारे मकानात जो हैं डिलीट करने के भी जो हैं उसमें यहाँ से भेजा हुआ है, क्या कुछ मामला था और कहाँ कहाँ पे ये वेरिफिकेशन हुआ है, वेरीफाई किया है कि जो लोग इसमें डिज़र्व नहीं करते थे उन लोगों को ये मकान जो हैं दिए गए? देखो एज सच PMAY में हमारे पास उतनी कंप्लेंट्स तो है नहीं, लेकिन कुछ जो हैं रॉन्ग गलत अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। उस केसेस में हमने क्या क्या हुआ है कि जो जो हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं उसमें हम कंसर्न सेक्रेटरी को वेरीफाई करके, अगर सपोज़ किसी के गलत अकाउंट में पैसा गया हुआ है उससे हम रिकवरी कर रहे हैं और वापस कर रहे हैं, अगर वो उसमें हमने सेक्रेटरी को डायरेक्शन देते हैं कि जो है आपके टाइम पे या आपकी जो पंचायत की जुरिसडिक्शन में जितने लोग आ रहे हैं जिनके गलत अकाउंट में पैसा गया है तो उनसे रिकवरी, और रिकवरी हमने बहुत सी रिकवरीज भी की हुई हैं। ऐसे PMAY में और कोई सिंस ये जो प्लान है ये बहुत पुराना जो है ग्राम सभा ने अप्रूव किया हुआ है, इसमें वेरिफिकेशन का तो नहीं है। इसमें हमें भी लग रहा है कि ये PMAY स्टिल इसमें कोई ये वाली कंप्लेंट तो नहीं है कि कोई ओल्ड इसमें यूनिट बना हुआ है। हाँ ये ज़रूर इसमें शिकायत रहती हैं कि जो PMAY में पुराने वाले घर हैं उनको पेमेंट अभी तक नहीं हो पाई है, वो स्टिल 8 मार्च में पब्लिक को ये कह देना चाहता हूँ कि आपकी मीडियम से कि 8 मार्च 2022 से है अभी तक जो पैसा अभी PMAY में पढ़ने रहा है, आप थोड़ा पेशेंस रखें। हमारे लेवल पे जो ऑर्डर शीट जनरेट करनी होती है वो हम हर एक की हमारे लेवल पे कोई पेंडिंग नहीं है, जिसका हमें लगता है जिसका यूनिट जो है वो पुराना है या हमें लगता है कि ये गलत टैग हुआ है तो उसको हम इमीडिएटली जो है यहाँ से रिजेक्ट करके जो है कंसर्न सेक्रेटरी को डायरेक्शन दी जाती है कि इमीडिएटली इसमें जो है आप यूनिट बनवाओ, अगर नहीं तो इसको रिकवरी करो। इसके बाद जो है आवास प्लस की जो है बिल्कुल एपिलेट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में एक सर्कुलर निकला था कि एपिलेट अथॉरिटी को सिंस आवास प्लस की ये जो है ग्राम सभा में लिस्ट तो पास हो चुकी है, BDO के पास अगर कंप्लेंट आती है एज सच हमारे पास ये डायरेक्शन नहीं है कि हम इसको जो है होल पूरी लिस्ट को वेरीफाई करें। हाँ इसमें एपिलेट अथॉरिटी बनी हुई है, एपिलेट अथॉरिटी में इस जिसमें वर्थी DC साहब भी हैं, EDDC सर भी हैं, ACR भी हैं, ACD सर भी हैं, उनकी तरफ से मुझे एक डायरेक्शन आई थी, पास हुई थी कि आप जो है नील ABCD में और धर्मस्था B में जो है आप डोर टू डोर वेरिफिकेशन करेंगे। तो जब हमने जो आवास प्लस में जो कि अभी तक इनिशियल स्टेज पे है, देखो अगर आज हम इसमें वेरिफिकेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो साफ शिफाफ जो हमें लगेगा ठीक है, जेन्युइन है, जो डिज़र्विंग है उनको इसका बेनिफिट मिले, हमने पाया वहाँ पे, हमने 5 पंचायतों में वेरिफिकेशन की, हमने देखा वहाँ पे, हमने आउट ऑफ 1099 जो टारगेट था इन 5 पंचायत में हमने देखा बहुत से जो लोग हैं जो नॉन डिज़र्विंग थे उनको डिज़र्विंग बना के जो है उनको बेनिफिट देने की कोशिश की गई थी। हमने आउट ऑफ 1099 में 400 लोगों को हमने रिकमेंड किया है डिलीशन करने के लिए, हमने एपिलेट अथॉरिटी को ये रिक्वेस्ट की है कि हो सकता है कि हमने डोर टू डोर वेरिफिकेशन की है, स्टिल वी आर न्यू टू जो हमारे न्यू अकाउंट असिस्टेंट लड़के हैं, कुछ सेक्रेटरीज हैं जो वहाँ की टोपोग्राफी और घर के हो सकता है कि उनको गलत तरीके से घर दिखाया गया हो, हमने कहा है कि पब्लिक डोमेन में ये लिस्ट को लाया जाए और मिनिमम एटलीस्ट 7 डेज़ का जो मौका है वो दिया जाए कि ऑब्जेक्शंस के लिए अगर किसी को गलत तरीके से डिलीट किया गया हो या फिर उसका कोई जेन्युइन इशू हो तो उसको हम रिड्रेस कर सकें। अभी फ़िलहाल जो है सरबग्नी बी में हमारी फिर से एक डायरेक्शन आई है, सरबग्नी बी में जो है हमारी आवास प्लस की वेरिफिकेशन चल रही है और मैंने खुद भी वहाँ पे पर्सनली विज़िट किया है, मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखी
कि आउट ऑफ मैंने 45 एक दिन में 45 जब मैंने वहाँ पे देखा 45 यूनिट्स जो बेनिफिशरीज के मैंने विज़िट किया, दो दे आर डिज़र्विंग, इसमें कोई शक नहीं है, डिज़र्विंग थे। लेकिन प्रॉब्लम एक है वहाँ पे हमारे पास, अभी भी आपके मीडियम से मैं भी ये बता देना चाहूँगा कि DFO साहब ने, DC साहब ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि अगर बिफोर प्रोसीडिंग फॉर इसके लिए पेमेंट के लिए आपने एक काम करना है, NOC जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से, वो रेवेन्यू वालों से और फॉरेस्ट वालों से लाना है। ऐसा मैं बता दूं कि मैंने 45 में से 40 ऐसे वहाँ पे घर देखे जिनके फॉरेस्ट लैंड पे जो है वो यूनिट बनाने जा रहे हैं। तो फ़िलहाल मैंने अपने कंसर्न सेक्रेटरीज को ये डायरेक्शन दी हुई है कि अभी तक चाहे वो PMAY का केस हो या आवास प्लस का केस हो, तब तक आप इनकी फर्दर जो है पेमेंट के लिए प्रोसीड नहीं करेंगे जब तक नहीं हमारे पास NOC मिले कंसर्न इससे रेवेन्यू वालों से और फॉरेस्ट वालों से। मैं आपके मीडियम से, आप यहाँ के लोकल भी हैं, आपको हम, आपको पब्लिक भी यहाँ पे बहुत देखती भी है, आपके मीडियम से ये मैं उन तमाम बेनिफिशरीज से मैं कह देना चाहूँगा कि आप अपने कंसर्न सेक्रेटरी, कंसर्न अकाउंट असिस्टेंट के यहाँ पे सबमिट करें, NOC सबमिट करें, ताकि जो है टाइमली जो है हम आपकी पेमेंट जो है कर सकें। अगर आप हमारे पास NOC नहीं दोगे तो हम जो है आपको जो है आपका केस फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। ये कंपलसरी है आपको फॉरेस्ट वालों से और रेवेन्यू वालों से, आपने सिंपल जो है अपने तहसीलदार साहब के पास जाना है, वो रिपोर्ट लेंगे, NOC आपको दे देंगे, तो फर्दर आपकी पेमेंट होगी। ऐसा जो है विदाउट NOC आपका जो केस है वो जो है प्रोसीड नहीं होगा फॉर पेमेंट करने के लिए। सर, कुछ समय पहले आपकी एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी जहाँ पे कुछ काम आप देख रहे थे, क्या कुछ था पूरा वो मामला? नहीं, ये लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर है उस वक्त की बात है कि यही सर मैं पंचायत नीलसी में मैंने विज़िट किया था, वहाँ पे आवास प्लस की हमने वेरिफिकेशन की थी डोर टू डोर में। हम वहाँ पे गए थे, हमने देखा बड़ा सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया हुआ था, इमीडिएटली हमने उस पर एक्शन किया है और मैंने कंसर्न TA को, सेक्रेटरी को भी यहाँ पे अटैच किया हुआ है और उसमें मैंने AEE कंसर्न की एक्सप्लेनेशन कॉल की हुई है। फ़िलहाल तो ये मुझे अभी भी 2 दिन पहले ही ये सुनने में आया कि AEE वहाँ पे खुद उन्होंने स्पॉट पे विज़िट किया है, उसकी क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन ये बात हकीकत है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ हुआ है। मैं ये आपके मीडियम से भी कह दूं कि हमारा लास्ट ईयर का जो है बड़े अच्छे काम हुए हैं, हर पंचायत में मैं अप्रिशिएट करता हूँ कंट्रैक्टर्स को, बहुत अच्छे वर्क्स किए हैं, लेकिन बीच बीच में जो है बहुत गलत काम हुए, सब स्टैंडर्ड मटेरियल एज़ पर जो नॉर्म्स हैं, जो उनको मटेरियल जो उनका एस्टिमेटेड जो इसमें अलाटमेंट में जो मेंशन होता है वो नहीं यूज़ करते हैं, वो मटेरियल एज़ पर नॉर्म्स नहीं यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है वर्क जो है सब स्टैंडर्ड में आ जाता है। और उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब कंट्रैक्टर्स को कि अब हमारा नया प्लान जो है अप्रूव हो गया है, एस्टिमेशन हम कर रहे हैं और इसमें जो है आगे आने वाले टाइम पे जो है प्रॉपरली आप काम करें, अच्छे से काम करें, आप हमें काम बताइए, बाकी जो है आपकी पेमेंट बिल्कुल नहीं रुकेगी, हमारे लेवल पे कुछ नहीं होगा, बस हमें काम एक अच्छा दीजिए करके। ये तो वो जगह थी जहाँ पे आप पहुँच पाए हैं, जहाँ पे ऑफिसर्स पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ की क्या हालत होती होगी? नहीं, हम उसमें अब हमारा सेक्रेटरी होता है, इसमें जो पंचायत सेक्रेटरी है, हमारा टेक्निकल असिस्टेंट होता है, वर्क सुपरवाइज़र होता है। देखो पंचायती राज एक्ट में ये भी हमारे डिपार्टमेंट के एक पार्ट हैं, सरपंचेज हो गए, पंचेज हो गए, कहीं ना कहीं इनकी भी तो जिम्मेवारी, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं और कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वर्बली उनको कॉल करके भी पूछते हैं कि वर्क का स्टेटस क्या है। हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट में अपने वर्क सुपरवाइज़र को भी हम डिप्यूट करते हैं, जहाँ जहाँ पर हमें कंप्लेंट्स होंगी। तो हमारा सेक्रेटरी होता है, हमारा जो अकाउंट असिस्टेंट है, इनको मैं विज़िट करवाता हूँ उन वर्क्स पे। तो ऐसा आज सच ने जहाँ जहाँ पे कंप्लेंट्स थे हमने विज़िट किया हुआ है, मैक्सिमम जो है 99% में एश्योरेंस देता हूँ कि वर्क बहुत अच्छे हुए हैं। एक दो पंचायत हैं जहाँ पे इश्यू है, लेकिन डेफिनेटली वो भी इम्प्रूव करेंगे, इस टाइम पे वो इम्प्रूव करेंगे डेफिनेटली। सर, अगर MG नरेगा की बात करें, क्या कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं आपके पास? नरेगा के एज सच तो हमारे पास जो है फ़िलहाल लेबर का तो पेमेंट हमने टाइमली की हुई है, हमारे पास मटेरियल का एक इशू आ रहा है, रिलीज़ हो गई है, हमारे पास रिलीज़ आई है मटेरियल की,
तो हमने उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है सब पंचायत को, लेकिन बहुत से यहाँ पे लोग आते हैं कि उनकी पेमेंट नहीं हो रही है। हमने वहाँ पे उनको जो रजिस्टर करना होता है उस वक्त हमें एक प्रॉब्लम आ रही है, जो पहले हमें जीएसटी ज़रूरी नहीं था, लेकिन अभी इस बार जो वेंडर हैं उनको जीएसटी होना लाजमी है। उसमें हमने जब हम रजिस्टर कर रहे हैं उनको, हमें कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन हमने टेकअप किया है ईसीडी सर के साथ भी, हमने टेकअप किया है डीपीओ सर के साथ भी टेकअप किया है। होपफुली जो है विद इन 3-4 दिन में मैं श्योर हूँ कि ये हो जाएगा और उनको पेमेंट हम कर देंगे। सर अगर बात करें हम जिस तरह से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स आपको यहाँ पे नियुक्त किया गया है, वहीं पे आपके पास दूसरा ब्लॉक भी है, काफ़ी बड़ी एक जिम्मेवारी होती है, पूरे ब्लॉक की जिम्मेवारी आपके पास रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वीडियो से नीचे के जो लोग होते हैं जिनको जिस तरह से अकाउंट ऑफिसर्स या पंचायत सेक्रेटरीज की आपने बात की, उन पे भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। कहीं ना कहीं जब वो लोग कहीं पे गलत करते हैं तो बात सीधा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऊपर आती है। तो उस काम को रोकने के लिए या उस करप्शन को रोकने के लिए या उस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए क्या कुछ कड़े कदम जो हैं वो उठाए जाने चाहिए? नहीं देखो ना, पब्लिक अगर मेरा पंचायत सेक्रेटरी गलत कर रहा है तो इसको गलत कौन करवा रहा है? इसको गलत आप लोग करवा रहे हैं, पब्लिक करवा रही है। अगर पब्लिक चाहेगी कि वर्क दे, आप एग्जांपल ले लो इस वक्त इफ्तियाज़ के मसले में ले लो, अगर उस वक्त प्रॉपरली तरीके से मेरे सेक्रेटरी को गाइड किया होता या सेक्रेटरी ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा होता, सरपंच साहब ने भी समझा होता, तो ज़रूर आज ये इश्यूज़ जो हैं राइज नहीं होते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो गलत करेगा वो भुगतेगा। देयर आर मैनी अदर एजेंसीज़ जो हैं, खाली कंप्लेंट अगर मेरे पास आई तो समाओ हमारे पास टाइम लगेगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं लीनियंट रहते हैं कि हमारे पास और भी बहुत से वर्क्स हैं यहाँ पे, लेकिन इसका आउटकम जो है टाइम भी लग सकता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे पास जो है हमारे पास एक पंचायत सेक्रेटरी है, कहीं ना कहीं 3-3, 4-4 पंचायतें हैं, टोपोग्राफी को हम मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन बट व्हेन दिस मैटर गोज़ टू सम अदर एजेंसीज लाइक क्राइम ब्रांच और अदर एजेंसी, वो सुकून नहीं देखेंगे, वो अंडर रूल जो होगा। और मैं ये बता दूं आपको, चाहे वो मेरा पंचायत सेक्रेटरी हो, चाहे अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे मेरा पंच हो, सरपंच हो, जो गलत करेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन स्ट्रिक्ट लिया जाएगा। अब भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस इंतज़ार में हैं, जो गरीब हैं, बीपीएल हैं, इंतज़ार में हैं कि कब साइट खुले, कब उनको भी जो मौका मिले एक छत जो है वो रहने के लिए मिले। बहुत सारे लोग हैं अभी जिनके सर पे छत नहीं है, तो कब तक ये इशू रिजॉल्व होगा? ये सर पहले आपको पता है IAY था, देन इसके बाद जो है PMAY में आया। अफसोस की बात है कि जब आवास प्लस की साइट ओपन हुई उसमें भी कुछ लोग रह चुके हैं, तो मैंने भी जब नील ABCD में विज़िट किया और पंचायत में मैं विज़िट करता हूँ, यहाँ पे भी पब्लिक का बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो डिज़र्विंग हैं, बट उनका जो है आवास प्लस या PMAY में उनको ये बेनिफिट नहीं मिला हुआ है, दो दे आर वेरी मच डिज़र्विंग। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम भी प्रोसीजर से मजबूर हैं कि आवास प्लस का पोर्टल बंद हो चुका है, PMAY का भी बंद हो चुका है। जब तक पोर्टल ये हमारे हायर अप्स की नॉलेज में भी हैं और बार बार ये जो मैटर है ये मीटिंग्स में उठाया जाता है, आई होप कि जो भी जब भी ये SBM जो हमारा आवास प्लस में है इसमें अगर हमारा 30-40% कम्प्लीशन होता है या उससे पहले भी जो है पोर्टल एज एंड व्हेन ओपन होगा, जो जो लोग रह चुके हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। इस मसले में मैंने अपने जो है इन सरपंचेस को भी कहा है, जो जो मेरे पास भी आता मैं उनको बार बार ये डायरेक्शन देता हूँ कि आपने अपने वार्ड लेवल पे पंचेस को और सरपंच पंचायत लेवल पे सरपंचेस को एक लिस्ट कंपाइल करनी चाहिए कि कितने लोग रह चुके हैं, या अगर पोर्टल ओपन भी होता है या एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, उस वक्त अगर हम सर्च करने बैठें कि कौन डिज़र्विंग है वो दैट विल टाइम कंज्यूमिंग। सो मैंने इनको कहा है, आई हैव ऑलरेडी पास द डायरेक्शन टू द कंसर्न सरपंच पंचेज कि आप आइडेंटिफाई करें कितने लोग जो हैं वो अभी ये रह चुके हैं, ताकि उनका जो है उस वक्त हम इमीजिएटली आपसे रिपोर्ट लें और उनको रजिस्टर करें। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? मेरा मैसेज यही रहेगा कि खासकर मैं फ़िलहाल तो कंट्रैक्टर से मुखातिब हूँगा कि उन्होंने जैसे लास्ट ईयर में काम किए हैं बहुत अच्छे काम हुए हैं, और जिन्होंने कहीं कहीं थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम है या उन्होंने सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया हुआ है, उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा
कि आप जो है मटेरियल जो है एज़ पर गाइडलाइंस है वो यूज़ करें, जो आपको सिमर जो रेशो होता है जो भी मेंशन है नॉर्म्स के उस हिसाब से काम करें, काम अच्छा करें ताकि जो है आपकी टाइमली पेमेंट हो जाए। बाकी पब्लिक से मेरा ये आपके मीडियम से इस वक्त जो है ये मैसेज रहेगा, क्योंकि पब्लिक टोपोग्राफी यहाँ पे बड़ी टफ टेरेन है, हर एक के पास हम जा नहीं सकते हैं, आपके मीडियम से मेरा ये मैसेज रहेगा। फ़िलहाल ये जो हमारे पास तकरीबन 3 से 4 हज़ार का जो टारगेट है PMAY में और आवास प्लस में, ये दे आर डिज़र्विंग, उनको मैं कह दूँ सरपंचज़ को पंचज़ को आपके मीडियम से कि उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि वो NOC जो है अपने इनसे रेवेन्यू वालों से और फॉरेस्ट वालों से लेके आएँ ताकि जो है टाइमली आपका जो है केस फॉर फर्दर पेमेंट के लिए प्रोसीड हो सके। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू अफराज जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ वीडियो रामसू तंजील रुनियाल साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफा जमडैंग कैमरा मैन शाहनवाज के साथ।